छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छोड़ने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। उनके इस कदम के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि टीएस सिंहदेव की वजह से भूपेश सरकार यहां तक आने में सफल हुई है। साथ ही कहा कि आज वो निराश और हताश हैं, जिसकी वजह से धैर्य की सीमा टूट गई। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति को उद्धव सरकार जैसी करार दी। वहीं पूर्व सीएम के बयान के बाद भी मामले में बयानबाजी जारी रही। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि टीएस सिंहदेव का विभाग छोड़ा मुख्यमंत्री की असफलता है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि भूपेश और टीएस सिंहदेव के बीच 42 महीनों से हो रहे खींचतान के कारण प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया। टीएस सिंहदेव जी इस सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं और वो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ तक लाने में यानी जो सफलता मिली है उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भूमिका थी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अध्यक्ष के रूप में। आज वो निराश हैं, हताश हैं, धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग को छोड़ा जाना भूपेश बघेल सरकार की असफलता है। उन्होंने जो आरोप लगाया कि गरीबों के घर छीनने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है, मनरेगा से लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत देने का में नाकाम रही है भूपेश बघेल सरकार। मंत्री जिसे हम कह सकते हैं कि आज के समय में द्वितीय नंबर का, जिन्होंने लिखित आरोप लगा करके पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से त्यागपत्र दिया गया, और त्यागपत्र इसलिए उन्होंने दिया कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में वो असमर्थ रहे।